आज हम हैं एक ब्रिक इंडस्ट्री में जो कि मेरे दोस्त का है और ये थोड़ा सा टाउन से आउटस्कर्ट पे है और यहाँ पे इतना सारा ईटा देख के मुझे एज ए शाओलिन प्रैक्टिशनर मुझे भी तोड़ने का बहुत मन कर रहा है। तो पहले हम तोड़ लेते हैं ईटे, फिर बात करते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट ईटे कैसे तोड़ते हैं। चलिए थोड़ा उतर लेता हूँ पहले। I will not sit up in the nosebleeds. I will not stop until they know me. I want you all to listen closely. तो गाइज आप लोगों ने देखा मेरा ब्रिक ब्रेकिंग एबिलिटी और एक्चुअली शिफू जी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। वो उनका भी है बहुत सारा ब्रिक ब्रेकिंग का वीडियोस, आप पहले भी मेरे वीडियो में देख चुके हैं। और बहुत लोग मुझे डाउट कर रहे थे कि मेरा क्या है, तुम क्या कर सकते हो, कितना पावर है तुम्हारा। तो मैंने आज दिखा दिया मेरा पावर। तो एक्चुअली मैं और क्लियर होना पड़ेगा मुझे आपके साथ कि मैं इधर क्यों आया हूँ। ये तो ब्रिक में घर पे भी तोड़ सकता था, पर मैं आज ब्रिक इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ। आपको कुछ सच जानना है इन चीज़ों में। एक्चुअली ये सब जो मार्शल आर्टिस्ट, जो सो कॉल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, अभी यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है, वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे वीडियोज़ की ब्रिक ब्रेकिंग टेक्निक्स कि आप कुछ छी गैदर करो, अपना अंदर का एनर्जी लाओ, ब्रिक से नीचे में कुछ पॉइंट करो, फिर ऐसे करो। वो सब जितना भी आप टेक्निक क्यों ना सीखे, जितना भी आप पूरा दुनिया का अच्छी गैदर कर लीजिए, पर जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो फर्स्ट क्लास ईटे होते हैं ना, वो आप नहीं तोड़ पाएंगे। अगर तोड़ पाएंगे तो आप जिस ईटे से आपने अपना घर बनाया है ना, उसके अंदर आप सेफ नहीं है। क्योंकि फर्स्ट क्लास मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट क्लास का कैसा होता है। आप एक बार साउंड सुन के ही आपको पता चलेगा। देखिए ये होता है फर्स्ट क्लास ईटे, देखिए एक मेटलिक साउंड है ना, ये फर्स्ट क्लास होता है। फिर होता है सेकंड क्लास ईटे, ये सेकंड क्लास होता है, इसमें थोड़ा सा साउंड थोड़ा डैम्प है साउंड। फिर आते हैं थर्ड क्लास ईटे, ये होता है थर्ड क्लास, ये थोड़ा और डैम्प है और ये टूट भी जाएगा शायद। देखिए ये टूट भी जाएगा, ज़्यादा मारने से टूट भी जाता है, ये ऐसा होता है थर्ड क्लास ईटे। फर्स्ट क्लास इन द अदर हैंड अब जितना भी मारो बहुत बहुत ट्राई करना पड़ेगा। ये देखिए ये फर्स्ट क्लास होता है ऐसा, इसका देखिए डैम्पनेस देखिए, ये होता है फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास के बीच का डिफरेंस। और जो लोग कुछ लोग अभी मास्टर सेलेस कुछ कर रहे थे, दिखने में फर्स्ट क्लास ही होता है, पर वो होता है आपका मिट्टी का प्रॉब्लम। मिट्टी मतलब आप किस मिट्टी का ईट बना रहे हैं। कई कई जगहों में मिट्टी ठीक नहीं होता, कई कई जगहों में ज़्यादा जल जाता है, कई कई जगहों में थोड़ा कम जल जाता है। तो आप जब भी आपको दिखेगा कि कोई ऐसे मास्टर आके ईट तोड़ रहा है, तो उनके लिए ईट का जुगाड़ आप खुद कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या होता है। आप उनके ईट से आप बिलीव मत कीजिए। इसलिए मुझे अगर कोई बोलता है ईट तोड़ता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है मेरा वाला ईट तोड़ के दिखाना, तभी उनको अपना ओन एबिलिटी उनको पता चल जाता है। तो वो लोग जो ईट तोड़ते हैं, वो ये थर्ड क्लास जो है ना, ये भी रास्ते में यूज़ होता है, कभी कभी रास्ते के अंदर जो बिछाते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। तो वो लोग ईट जो तोड़ते हैं वो फोर्थ क्लास ईट होता है। और मैं जो ये मेरे दोस्त का इंडस्ट्री में हूँ, वो लोग फोर्थ क्लास नहीं रखते, बनाते भी नहीं, और अगर बन गया तो डम कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ क्लास अवेलेबल नहीं है, और ये सीज़न नहीं है कि आपको मैं कच्चा ईटा दिखा सकूँ। क्योंकि विद्युत जी का जो एक वीडियो है, वो कोई जैकी चैन वाला चैलेंज किया था, वो अंडा लेके ऐसे तोड़ रहा था, वो होता है कच्चा ईटा। आप उसके अंदर पे देखिए कि कैसा होता है, कलर कैसा होता है। ये ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, डम वाला नहीं है, वो एक पूरा कच्चा होता है। और बाहर से शायद कलर किया है उन्होंने, थोड़ा मतलब पिंकिश थोड़ा रेडिश दिख रहा है, पर वो होता है कच्चा ईटा। वो आप ऐसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। मिट्टी होता है वो, बस मिट्टी होता है ऐसे लगा के, थोड़ा बहुत लगा के ईट जैसा दिखा रहा है। तो आप उन सब चीज़ों में मत जाइए, मेरा यही बोलने का मतलब है कि
वो लोग क्यों दिखा रहे हैं मुझे पता नहीं, ऐसे ईंटें तोड़ के अपना कौन सा स्ट्रेंथ दिखाने को ट्राई कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि ऐसे ईंटें कोई भी तोड़ सकता है जो फोर क्लास ईंटें होते हैं। तो आप वैसे बहकावे में मत जाइए, क्योंकि अगर थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास ईंटें से आपका घर बनता तो शिफू जी आपका घर तोड़ के अंदर चला जाएगा। तो वैसे ईंटें तोड़ने के लिए आपको मार्शल आर्टिस्ट या फिर कोई शाओलिन मॉन्क होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ईंटें कोई भी तोड़ सकता है। और जो लोग ऐसे ईंटें तोड़ के वीडियोज़ अपलोड करते हैं उनको आप कोई भी लेजिट फाइटिंग कंपटीशन में नहीं देख पाएंगे, वो भी एक और एक नोटिसेबल बात है। तो आप, क्योंकि एक फ़ाइटर को पता होता है कि उनका एबिलिटी क्या है, और मोस्टली फाइटर ऑनेस्ट होता है, जो मेहनत करते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। तो आप, वही बात है कि आप उन सब चीज़ों में मत जाइए और थोड़ा सा ओपन अप होइए। आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना, जो आप लॉजिकली सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, आप ये अदृश्य काल्पनिक शक्तियों में बिलीव मत कीजिए। ऐसे जो बोलते हैं कहीं अंदर से पावर आ जाता है, वैसे में बिलीव मत कीजिए, सब जगह साइंस अप्लाई होता ही है। तो आप साइंटिफिकली सोचिए, आप लॉजिकली सोचिए कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उनका मोटिव क्या है, वो सब सोचिए, तब आपको पता चलेगा। आप ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, ये तो बस आज मैंने ऐसे ही दिखा दिया और बहुत सारे है। तो वही बात है, और आप अपना कुछ क्वेश्चन हो ऐसा ही आपको और ट्रिक अगर दिखे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।